नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश। जजों को लेकर हमारे देश में एक नई न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। जैक यानी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बीजेपी सरकार ने दोनों ही सदनों में पास करा लिया है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई हमारे देश को एक नई कानून व्यवस्था की ज़रूरत थी, या जो बिल अभी नेताओं ने पास किया है, क्या ये हमारी कानून व्यवस्था के लिए कारगर साबित हो पाएगा? ऐसे ही तमाम मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी और राकेश खटाना जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए हम अपनी बातचीत उन लोगों से जारी करते हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करते हैं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी ये बीजेपी सरकार की, क्योंकि यूपीए ने भी एक बार प्रयास किया था कपिल सिब्बल जी के समय में, नहीं हो पाया, इन्होंने कर दिखाया। क्या वाकई कानून व्यवस्था के लिए, भारत के कानून के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, अच्छे दिनों की शुरुआत तो तब होती है जब अच्छे लोग सारा काम करते हैं, तो कोई भी सिस्टम खराब नहीं होता। सिस्टम को चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। एक सिस्टम चल रहा था, वो उसमें प्रॉब्लम थी, इसमें किसी को डाउट नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि नया सिस्टम कितना इफेक्टिव होगा, कितना सही चलेगा, ये निर्भर करता है कि चलाने वाले लोग कितने ईमानदार हैं। अगर नई सरकार वाकई ईमानदार है, तो समझिए कि पुराने सिस्टम को भी ठीक करके चलाया जा सकता था और नए सिस्टम को भी ठीक करके चलाया जा सकता है, नया सिस्टम बर्बाद भी किया जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल विल पावर कितनी क्लीन और कितनी साफ है और वो किस तरह से जुडिशियल सिस्टम को चलाना चाहती है। मुझे लग रहा है कि सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो चाहते ये हैं कि एक पूरे जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और तमाम दूसरे सिस्टम में एक साफ सुथरी स्थिति पैदा हो जाए, और उसके लिए कोशिश है। मुझे लग रहा है कि चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है और ये सिस्टम ठीक चलना चाहिए। राकेश जी, आप तो कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, आप ये हमें बताएं कि क्या कॉलेजियम सिस्टम जिसको लेके जजों की नियुक्ति अब तक हो रही थी, क्या वाकई वो करप्ट हो गई थी या फेल हो गई थी? हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेके कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन तब तक में चर्चा में इतनी आ चुकी थी कि लोग इसको कह रहे थे कि ये व्यवस्था बिल्कुल ही करप्ट हो चुकी है। क्या आपको लगता है, वाकई आप सिस्टम के काफ़ी पास रहे हैं, क्या लगता है कि ये वाकई इसमें जंग लग चुकी थी? देखिए, मैं कानूनी पक्ष आपको बता सकता हूँ। कॉलेजियम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। 1981 से पहले तक एक कन्वेंशन था, CJI रिकमेंड करते थे प्रेसिडेंट को और वो अपॉइंटमेंट हो जाया करती थी, एक्सेप्शनल केसेस थे। हाँ, इसमें इमरजेंसी का जो पीरियड था दैट वाज एक्सेप्शनल, उसमें ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट का से थोड़ा SP गुप्ता का एक ऑर्डर आया, SP गुप्ता यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 217 पार्ट 1 कहता है जजेज की अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए, वो कहता है प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द CJI। तो उस ऑर्डर में ये आया जजमेंट में कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, ये जरूरी नहीं उनकी सहमति होगी। और 1993 तक ये स्थिति चलती रही कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनकी प्राइमेसी कम हो गई अपॉइंटमेंट के मामले में और गवर्नमेंट की प्राइमेसी बढ़ गई। उससे कुछ लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है, तो एक यूनियन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने एक केस फाइल किया जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, इसमें 9 बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो अपॉइंटमेंट है उसमें CJI का प्राइमेसी होगा, उसका प्राइमरी रोल उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो अपॉइंट करेंगे जजेस को, और गवर्नमेंट का जो से था वो सेकेंडरी हो गया। उसके बाबत प्रेसिडेंट ने 1998 में रेफरेंस भेजा अंडर आर्टिकल 143 उस जजमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें कोर्ट ने रीअफर्म किया 1993 के ऑर्डर को, बल्कि गवर्नमेंट से ये भी रिटर्न में ले लिया कि हम जो 93 का ऑर्डर है उसमें कोई रिकंसिडरेशन नहीं चाहते हैं। बस बदलाव ये आया कि CJI के साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस थे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, और आज की डेट में कॉलेजियम का मतलब एक CJI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस, दैट्स कॉल्ड कॉलेजियम। लेकिन बात है इंडिपेंडेंस की, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने श्री कुमार प्रसाद में हेल्ड किया है कि इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और मुझे लगता है जो ये आपका अभी नया और बिल आया है ये उसके कंकरेंस में है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था बहुत ओपेक था, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज से 6 साल पहले 2006 में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हमने रिमूव, उसमें आर्टिकल 13 में हमने अमेंडमेंट किया था, अदरवाइज उससे पहले तो शायद वी विल बी इनवाइटिंग कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट बाय डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो क्या अब जो व्यवस्था बनी है राकेश जी, जो आज जो बिल पास हुआ है, ये जो कानून आया है, जो स्ट्रक्चर बना है, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है और इससे जो अच्छे जज हैं वो आ पाएंगे और साफ सुथरे जज आ पाएंगे, या इसमें कोई पूरी पारदर्शिता होगी और कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा? देखिए बात वही है, ये जो सिस्टम है बेसिकली यूके बेस्ड है और ज़्यादातर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में यही सिस्टम आज की डेट में जो हमने अभी किया है कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर होंगे, प्लस में 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक ST/ST का होगा, उन मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर, CJI प्लस में लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी अपॉइंट करेंगे। तो बहुत हद तक एक ब्रॉड बेस्ड बनाने की कोशिश की गई है। जजेस पहले भी थे, जजेस आज भी हैं, लेकिन पहले क्या था कि एक जुडिशरी का एक तरह से डोमिनेंस था, अभी उस डोमिनेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात ये कि जुडिशरी का काम है वो जस्टिस डिलीवर करना है, तो शायद मेरे ख्याल से जजेस के पास, कोर्ट्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो उस चीज़ से ढंग को सर्च कर सकें। अभी क्या है कि ब्रॉड बेस्ड हो गया है और जगह प्रिवेल कर रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द बिल। शास्त्री जी, एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, जो फाली नरीमन जाने माने अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस कानून को हम चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनका दो चीज उन्होंने नोटिस किया है कि एक तो सरकार जो आनन फानन में इस बिल को पास कराया, इसके पीछे क्या उसकी उनकी मंशा थी, और उन्होंने कहा कि दो लोग जिनको इनके अपॉइंट करना है इमिनेंट पर्सन को, वो क्यों ये क्यों करेंगे, वो क्यों नहीं राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो मिल के करें, क्योंकि ये जब भी करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल घालमेल होगा। ये देखिए, इसमें ये जो दो पॉइंट फाली नरमन साहब ने उठाए हैं ये बिल्कुल जस्टिफाइड क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी भी एक जुडिशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करने वाला उठा सकता है। कि एक तो सरकार को आए हुए जुम्मे 2 महीने भी नहीं हुए पूरे, और वो जुडिशियल सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करने की तैयारी में आ गए, ऐसी कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन तो डेफिनेटली नहीं थी कि कल ही करो और अदरवाइज़ तो सारा सिस्टम कॉलेप्स कर रहा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। दूसरा, जुडिशियल डोमिनेंस जो है वो कम करना ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम एक करप्ट हो गया है, जुडिशियल सिस्टम में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत क्लीन नहीं है, ये आप हो सकता है कि आप मानते हो, तो उसको ठीक है। लेकिन जो बनाया गया है, ये जो कमीशन बनाया गया है, और इसमें जो एक तो मेरे अंदाज से लॉ मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और 2 जो है अपॉइंटी होंगे, हालांकि उसमें 2-3 लोग मिल करके करेंगे लेकिन वो इंडिपेंडेंट बाहर से आएंगे। तो वही सवाल है कि अगर सरकार क्लीन है, ईमानदारी से सिस्टम चलाना चाहती है तो ये सिस्टम ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसके लीडर्स इसमें घालमेल करना चाहते हैं तो इसकी गुंजाइश इसमें है, और इसलिए फाली नरमन साहब के ये पॉइंट जायज़ हैं और इन पे डिस्कशन होना चाहिए। क्या वो फाली नरमन साहब जो कह रहे हैं कि हम इस कानून को चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि इसे चुनौती दी जा सकती है या इसका क्या होगा फिर? देखिए, चुनौती देने का मतलब है चुनौती दे सकते हैं। हाँ, एवरीबॉडी इज़ फ्री टू चैलेंज एनी लॉ। बात यह है कि कितना सक्सेसफुल होंगे। जहाँ तक कहा जा रहा है कि क्या जल्दी थी, ऐसा नहीं है। 1945 से इस बारे में ढेर सारी कमेटीज़ बनी है, स्क्रू कमेटी बनी है, जब फेडरल कोर्ट था उस टाइम में उसमें डिस्कशंस हुए हैं, 14th रिपोर्ट है लॉ कमीशन का, 79th रिपोर्ट है, 80th रिपोर्ट है, 121st रिपोर्ट है, और जजेस एरियर कमेटी रिपोर्ट है, उसमें ये क्वेश्चन बार बार उठता रहा है। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 2002 में बना था उसने भी रिकमेंड किया है इसको, तो ये जल्दी नहीं है। नहीं, वो जल्दबाजी में कर वो बात आपकी बिल्कुल सही है। लॉन्ग पेंडिंग प्रोसेस था जो ओवरड्यू था, और मेरे ख्याल से एक जो ओपेकनेस थी, एक जो धुंधलापन था अपॉइंटमेंट में, उसको कहीं दूर करने की किसी हद तक एक कोशिश है, जिसमें थोड़ा सिस्टम ब्रॉड बेस्ड हो गया है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जजेज का तो अभी भी 3 जजेज हैं, पहले भी 4 थे, लेकिन जो 93 का जजमेंट है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको जगह अभी भी मिली है। सिर्फ थोड़ा सिस्टम को ब्रॉड बेस्ड कर दिया कि तो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल जाए सर, लोगों को ज़्यादा हो जाए। सर इसमें जल्दबाजी वाली बात इसलिए थोड़ी सी लगती है सरकार के पार्ट पे, क्योंकि सरकार जिन
सपनों के साथ पावर में आई है, लोगों को सपने दिखा करके, उन सपनों पे इतनी जल्दबाजी से काम नहीं हुआ। और ये एकाएक एक नई चीज़ आ गई जिसको बहुत जल्दबाजी में लागू किया गया। इसलिए आप देखिए महंगाई है, आप देखिए ये करप्शन है, आप देखिए कि ये ब्लैक मनी है, उस पर कोई बहुत एक्शन नहीं है, बट ये एकदम से आ गया, इसलिए इसको जल्दबाजी की कैटेगरी में समझा गया। मैं आपसे डिफर करता हूँ, जब जुडिशरी साफ सुथरी होगी, क्या आप समझते नहीं कि वो एक करप्शन को हटाने की दिशा में पहल है? नहीं, 2013 का ये बिल पेंडिंग था, अब इसको 2014 का हो गया है, तो जल्दबाजी की तो बात ही नहीं है। जहाँ तक आप चेंजेस देखना चाहते हैं, तो यही तो सब चेंजेस हैं जो पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टम ब्रॉड बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो, कहीं घाल मेल का उसमें जगह ना रहे, तो उसको सब दिशा में काम किया जा रहा है, उसी से तो रिजल्ट्स आएंगे ना। रिजल्ट्स पहले नहीं आएंगे, पहले हमें सिस्टम करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट डिलीवर किए जाएंगे। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का बहुत हिस्सा है इसमें। तो चलिए हम दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी अपने दोनों मेहमानों से जैक को लेकर।